तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं और उनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमें एंगेज किया है। इनकी क्वेरी को देखेंगे और उनको बेस्ट से बेस्ट गाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। तो नमस्ते 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 सर। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि कहाँ से बोल रहे हैं अभी आप? मैं काठमांडू से बोल रहा हूँ, अच्छा, काठमांडू नेपाल नेपाल से। नेपाल से हैं आप। हमारे बारे में कहाँ से पता चला आपको? यूट्यूब से पता चला था। मैंने यूट्यूब पे जर्मनी और लग्जमबर्ग की स्टडी के बारे में सर्च कर रहा था, तो उस समय में आपका वीडियो मैंने देखा था। तो उस वीडियो पे आप लग्जमबर्ग के बारे में और मैं आपने एक वीडियो बनाई हुई है ना वहाँ के यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक, और उसी समय में आपने और भी जो फ्री एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटी है उस बारे में आप काफी कुछ बात कर रहे थे, तो वो मैंने देखा। कब से आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मैं जस्ट 2 से 3 दिन हुआ है जस्ट। अच्छा, 2 से 3 दिन में आपको कैसे ट्रस्ट बन गया? आपने पैसा भी डाला है हमें, आई थिंक सो, इस मीटिंग का पैसे भी डिपॉजिट हम किए तो हैं। आपको अच्छे कैसे, लोग हैं। नहीं, आपको कैसे इतना ट्रस्ट आ गया? 2-3 मेरी वीडियोस देखने के बाद ही कहा कि चलो डालो पैसे इनको, तो इनसे डिस्कशन की जाए, क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर चीटिंग बहुत है। मुझे एक बात ये तब क्लियर है, असल में क्या है ना, अच्छे लोग को पहचान लेते ठीक, चलो बढ़िया। थैंक्स कि आपने, आपको अच्छी जजमेंट आ गई। जजमेंट कहाँ से आ सकती है? लोगों के फैक्ट से, लोगों की नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, उसके बाद यू कैन जज कि कौन से लोग इस टाइप का काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे तो यूट्यूब अनदर वीडियोस को भी रिकमेंड करता है साथ में कि इनकी वीडियोस भी देखें। तो सबकी वीडियोस देखने के बाद कंक्लूजन निकालना चाहिए कि कौन से बेस्ट है, तो देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। तो अभी हम आपकी केस के ऊपर आएंगे। मुझे थोड़ा सा, मैं आपके बच्चे की प्रोफाइल जो मेरे पास आई है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमारे स्टाफ ने आपके बच्चे की प्रोफाइल मुझे भेजी है। दिल्ली ऑफिस से आपका केस डील हो रहा है। थोड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा क्या प्रोफाइल थी, वेट करिए 1 मिनट, तो मैं फिर आपको सारे का सारा सोल्यूशन बताऊंगा कि हम आपके लिए क्या बेस्ट कर पाएंगे इस केस में। जी सर, तो ऐसे है कि सुजाल बच्चे का नाम है, इसने अपनी BCA की हुई है 2023 में। इट इज वेरी गुड, इसका GPA जो 8.1 है, गुड। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि इसने IELTS PT कब करेगा? IELTS और पीटी आयल्स कब बाय करेगा? दिस वीक। कैन यू टेल मी व्हेन यू विल कंप्लीट, व्हेन यू विल प्रोवाइड मी द IELTS और पीटी रिजल्ट? आयल्स का रिजल्ट सर मैं इस वीक लिख लूंगा, और मोस्टली 1 से 10 1 हफ्ते से 10 दिन में आयल्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो वी आर स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड कि IELTS ही लिखना है, नॉट फॉर नॉट PT, अगर जर्नी में डालना है, क्योंकि जर्नी में गॉट इट। वहाँ की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आर ओनली एक्सेप्टिंग द IELTS, नॉट PT। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या है, तो मुझे ये बताइए कि आपने जो अपनी BCA की है, आइदर इट इज फ्रॉम इंडिया और नेपाल? इंडिया से की हुई है, जैन वेरी यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। वेरी गुड, देन देर इज नो एनी प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपने नेपाल से की होती तो फिर आपको APS के बारे में मालूम है। हाँ, सुना है सर, पूरा 100% डिटेल नहीं है। ठीक है। तो एक तो थोड़ा सा मैं आपको प्रिकॉशंस बता देता हूँ। जर्मनी में इंटायर स्टडी फ्री रहेगी बेटे को, स्टूडेंट को, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है अगर जर्मनी में डालना है। अगर इम्पेशेंस है तो आपका और अपना, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि देर इज ए नंबर ऑफ चैलेंजेस जब हम जर्मनी का एडमिशन और वीजा अप्लाई करते हैं। तो मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैंने 4-5 दिन पहले डाली थी, चार पांच दिन पहले ही डाली थी जर्मनी के ऊपर, स्पेशल वीडियो है कि कोई भी बच्चा इधर मेरे थ्रू अप्लाई करता है या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करता है, उसको वो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे वाइल अप्लाइंग द केस। तो वो मैं वीडियो आपको जरूर शेयर करूंगा, उसको जरूर वॉच करना है। अगर उसको वॉच करने के बाद आपका मूड बनता है कि इसको हमने इमीडिएटली स्टार्ट करना है, तो देन वी विल स्टार्ट द केस। ठीक है, वो मैं एक वीडियो भेजूंगा, मैं लिख लिया उस वीडियो के बारे में, क्योंकि उसके अंदर मैंने यही बताया है। मैंने वहां पे मोटिवेशंस कम दी है, क्योंकि अच्छा क्लाइंट लेने के लिए हमने आपको मीठी मीठी बातें करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उस वीडियो के अंदर मैंने ट्रुथ बताया है।
कि आपको यहाँ पर 6 से 12 मंथ लगेगा कंप्लीट प्रोसेस में, और क्या क्या प्रोसेस हैं और कहाँ कहाँ आपने डिफिकल्टी फेस करनी है, ईच एंड एवरी कॉर्नर को मैंने वहां पर टच किया हुआ है, ताकि कल आपका मूड मुझे चेंज करने का भी बनता है। आपको लगता है कि नहीं यार, हमने इनसे नहीं करवाना है, हमने अनदर कंसल्टेंट से करवाना है अपना जर्मनी का काम, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस कंसल्टेंट के थ्रू भी करवाना हो तो आपको सारी चीज पता चल जाएगी, क्लियर पिक्चर। एक तो ये हो गया, दूसरा रह गया लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग में जस्ट टाइम वेस्ट है, वी आर नॉट रिकमेंडिंग इट, और इस साल की डेट्स भी क्लोज हो चुकी है। पहले तो इस साल तो होएगा ही नहीं, डेट्स ऑलरेडी क्लोज। बाकी आपने लग्जमबर्ग का नेक्स्ट ईयर में डालना है, तो वहां पर आपके बेटे के 80 to 90% चांसेस हैं। बीइंग क्या है कि देयर इज ए बिग कंपटीशन देयर इन लग्जमबर्ग, एक ही यूनिवर्सिटी है, उसके पास 20 20 30 30 सिर्फ वैकेंसीज हैं मास्टर प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो वहां पर डालेंगे तो जो मेरा एक्सपीरियंस है तो वहां पर टाइम वेस्ट होगा। ट्राई करनी है, आई विल डेफिनेटली पुट द ट्राई देयर। सर वी विल पुट द एप्लीकेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंसेस सर। No, he is not looking computer science. पार्डन, He is not looking for computer science. नहीं, इसने बीसीए नहीं की हुई है। BCA किया हुआ है, लेकिन जो मास्टर जो करना चाह रहा है वो हाँ, कंप्यूटर साइंस लेकर कुछ और करना चाह रहा क्या करना है. चाहता है सुधर, थोड़ा बताइए। बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी और बिजनेस को कंबाइन करने वाले कोर्सेज. तो आई विल ट्राई इट, क्योंकि अगर बिजनेसेस में करने हैं, बिजनेसेस कोर्सेज में, जहां तो आपके पास प्रीवियस 2 ईयर्स का बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर बिजनेस प्रोग्राम, जहां आपकी स्टडी बिजनेस से रिलेटेड हो, सर समझ गए मैं क्या। मास्टर के लिए क्या है, मास्टर के लिए क्या है, जहां तो आपके पास 2 साल का बिजनेस से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो आफ्टर बीसीए, जहां आपकी प्रीवियस स्टडी जो आपने बैचलर की है उसमें आपने बिजनेस पढ़ा हो, तो फिर बिजनेस जैसे प्रोग्राम से मिल सकता है एडमिशन। तीसरी बात क्या है, बिजनेस में भी मिल सकता है एमबीए जैसे प्रोग्राम में, बट इट विल बी इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, नॉट इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। वॉट अबाउट MSc मैनेजमेंट, MSc बिजनेस, MSc इंटरनेशनल बिजनेस, ये सब जो कोर्सेज रहते हैं. मैं फिर बताया ना कि दैट प्रोग्राम्स आस्किंग आइदर योर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू बिजनेस, क्योंकि योर प्रीवियस, क्योंकि आपने मास्टरी करनी है किसी चीज में। मास्टरी हम तभी कर पाएंगे कि अगर आपने प्रीवियस कुछ पढ़ा हुआ है वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज की। दिस इज द डेफिनेशन, ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज की आई एम टेलिंग दिस थिंग। आपने बैचलर में बिजनेस नहीं पढ़ा है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, वहां पर बिजनेस में एडमिशन लेना आपके केस के लिए इट इज अ बिग चैलेंज। ओके okay. इसमें बताइए, तो जैसे मान लीजिए मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है काठमांडू में, ठीक है, और क्या हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि इसने ऑलरेडी मेरी कंपनी में 6 महीना काम किया अभी, नहीं, वो ठीक है. देखो मैनेजेबल है, अभी इसने रिसेंटली तो पास किया, इसने 7 8 महीने का एक्सपीरियंस बताया हुआ है आपने, इसने मैंने देखा है 2023 में पास आउट है, तो 2 साल का हाँ हाउ जी. क्रिएटेड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, जो लॉजिक चीज है, ओके इसको भी मतलब माइंड में लेकर चल रहा है जब हमने केस डालना है। कंप्यूटर से ओके रिलेटेड इसको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे, बाकी आई विल ट्राई कि मैं क्या कर पाऊंगा। अगर आपने, कंप्यूटर के ऐसे कोर्स हैं जिसमें मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो. सर मैं वही कहा ना, आई विल ट्राई, आई विल सर्च इट कि उसके लिए हम क्या कर पाएंगे। सर वी कुड नॉट गिव द गारंटी 100% इसका जो ये चाहता है उसमें एडमिशन आ जाए, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक प्रोग्राम में एडमिशन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। दूसरी चीज क्या है कि जर्मनी में जो भी बैचलर डिग्री मांगते हैं दैट शुड बी ए 4 ईयर्स, ठीक है, लेकिन बीसीए वाले को एक्सेप्ट करते हैं 3 साल वाले को भी। अगर इसने सिर्फ ऐसे बैचलर इन आर्ट्स की होती है, बीएससी इन आईटी की होती है, तो देन इसको बी प्रॉब्लम आती मास्टर में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, तो ये बीसीए एक्सेप्टेबल है। लेकिन अभी आप कहें कि मुझे बिजनेस से रिलेटेड ही चाहिए, तो उसके लिए वी कुड नॉट गिव द गारंटी कि हाँ इसका 100% एडमिशन आएगा। आई विल डेफिनेटली पुट द एप्लीकेशन, मैं आपको कुछ प्रोग्राम भी सजेस्ट करूंगा कि आई एम ट्राइंग टू पुट योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन दीज 2 3 यूनिवर्सिटीज एज पर योर रिक्वायरमेंट है कि हम बिजनेस से रिलेटेड है, बट उसके एडमिशंस के क्या रिजल्ट्स आएंगे दैट आई विल शो यू कि दिस इज द प्रॉब्लम, दे हैव दे कुड नॉट गिव द एडमिशंस, दे विल टेल देम कि योर प्रीवियस स्टडी एंड योर सिलेबस कंटेंट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोस्पेक्टिव प्रोग्राम्स, ऐसे करके वो रिफ्यूजल्स भी देते हैं एडमिशंस की, नॉट फॉर वीजा एंड दैट।
अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लेना है, उनकी 9,000 यूरो से लेकर 15,000 यूरो की साल की फीस है, उनमें आपको बिजनेस में मिल जाएगा। बट बीइंग ए कंसल्टेंट, आपने मेरी सर्विस हायर की है, वी आर नॉट रिकमेंडिंग द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी, जहां पर चीज फ्री मिल रही है। मेरे मेरे क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करें। मेरे लिए जर्मनी, यूके, यूएसए ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। फॉर मी जर्मनी, यूके, यूएसए ये प्रायोरिटी नहीं, ठीक है। मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है कि बच्चे का आगे का 3 साल 4 साल में एक मास्टर डिग्री अच्छी से हो जाए, अच्छे कॉलेज से, ठीक है। एज वेल एज उसका कम से कम 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपोजर हो जाए बढ़िया से, नहीं मैं कैरियर मुझे की बिल्डअप के हिसाब से, नहीं ठीक है। मतलब यू कैन सजेस्ट मी कि भाई आप अपने हिसाब से सजेस्ट कर सकते हो कि दीज आर ये 2 या 3 कंट्री आपके लिए बेस्ट है, जहां पर आपको बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। पैसे के हिसाब से भी, क्वालिटी के हिसाब से भी, और जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, ये तीनों तीनों ऑप्शन के हिसाब तीनों ऑप्शन, और इसके अलावा से। हाँ वेदर ही वांट टू सेटल देयर और कम बैक टू नेपाल आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी। एक्चुअली ही विल कम बैक टू नेपाल ठीक है आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर्स जो भी जो, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि वो 2 से 3 साल का इंडस्ट्री मतलब रियल टाइम वो जॉब करे, जॉब से उसको एक्सपोजर मिल जाए वहां का। तो मैं दो कंट्री ही सजेस्ट करूंगा आपको, जर्मनी और फिनलैंड। जर्मनी और फिनलैंड, जर्मनी एंड फिनलैंड, हाँ फिनलैंड, पुट द एप्लीकेशन ओके। इन दीज टू कंट्रीज। ओके तो यहां पर इसको बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा जो आप चाहते हैं। ओके तो फिनलैंड हाँ की जो यूनिवर्सिटी है, मतलब एक तो पल जर्मनी कंक्लूड कर लेते हैं फिर फिनलैंड पे आ जाते हैं, है ना। जर्मनी में जो स्विजल देखना चाह रहा है, जो मतलब एक तो एजुकेशन है, फिर कैरियर, ये दो मेजर पॉइंट है, फिर तीसरा एक्सपेंसिव है, मोटा मोटी ये 3 पॉइंट्स मोटा मोटी चीजों पे है हम लोग, है ना। और चौथा मतलब इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है उसकी वीजा अपॉर्चुनिटी कितनी है, वीजा मिलने के चांस। हाँ देखो, दोनों कंट्री में जो इनकी प्रोफाइल है, वीजा इज नॉट ए प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा जो वीजा मिलता है फिनलैंड में, फिनलैंड एम्बेसीज जितना भी वर्ल्ड की कंट्रीज है वो सब कंट्री से सबसे ज्यादा वीजा ग्रांट करती है, फॉलोड बाय जर्मनी। जर्मनी भी, पर आपकी आवाज में बहुत प्रॉब्लम है, आवाज में भी आर डिस्टर्बिंग, और जर्मनी भी वीजा काफी प्रोवाइड करता है, जर्मनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर तो हमारा सितंबर 2024 इंटेक में हो सकता है जर्मनी में हाँ भी, नो नो नो, नेवर सर, नेवर। इट विल बी नो जैन, राइट? इट विल बी नेक्स्ट, वो आपको फेब और अप्रैल का मिलेगा नेक्स्ट ईयर, नॉट इन जैन। अभी तो सारा कुछ अप्रैल क्लोज का। है। मैं उनके दो इनटेक है, अक्टूबर वाला अभी जर्मनी का, तो फिनलैंड का अगस्त वाला 2024 अगस्त, या अक्टूबर 2024 जर्मनी। ये जर्मनी के स्टिल ओपन पड़े हैं पोर्टल एडमिशंस के लिए, बट अभी तक आपका एपीएस नहीं हुआ है ना, आपके पास आयल्स है, जब तक आएगा तब राइट, तो पोर्टल क्लोज हो जाएंगे। ओके। हाँ, द दैट रीजन इट विल बी जैन 2025 और अप्रैल 2025, रिस्पेक्टिव ऑफ आइदर फिनलैंड और जर्मनी। जर्मनी इज अप्रैल 2025 एंड फिनलैंड इज जैन 2025। यस, ओके तो सर एक कंट्री में और सजेस्ट कर देता हूँ, उसमें भी आप वर्कआउट कर लीजिए। जैसे आपके फादर ने बताया है कि मैं जरा एक्सपोजर चाहता हूँ, एजुकेशन वाइज भी इसको इंटरनेशनल मिले, तो अनदर कंट्रीज वी आर आल्सो रिकमेंडिंग नीदरलैंड्स। हेलो, हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, हेलो, हेलो, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हाँ मेरी आवाज आ रही है हाँ आ रही सर, अब? ठीक है आवाज अब ठीक है सर। अब? ठीक है, तो चलिए। सर इसको बता दिया है, जर्मनी और फिनलैंड में वी विल प्रोसीड द एप्लीकेशंस, बट अभी इनका क्वेश्चन ये है कि क्या इस साल में मिल पाएगा। इस साल में इम्पॉसिबल है, ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा, 2025 में। जो ये सितंबर की जो इंटेक आती है, सितंबर की इंटेक में नहीं आएंगी? सर सितंबर जो इनका, देखो फिनलैंड का अगस्त इनटेक है, ये ऑलरेडी क्लोज है, ओके ये ऑलरेडी क्लोज है,
और जर्मनी का अक्टूबर इनटेक पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन स्टिल ओपन है, बट आईएएस इसके पास नहीं है, एपीएस इसके पास नहीं है। जब तक ये दो डॉक्यूमेंट आएंगे तब तक वो पोर्टल क्लोज हो जाएगी। अच्छा, तो ये दोनों इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर तो इसके लिए नेक्स्ट ईयर तो लग्जमबर्ग भी फिर ओपन होता है। नहीं, लग्जमबर्ग तो एक ही इनटेक है, दैट इज ओनली दिस अक्टूबर इनटेक, दो वंस इन ए ईयर वो खुलता है। यहाँ पे अच्छा दो, जहाँ पे दो इनटेक है, माइनर इनटेक रहता है जो ये जैन फेब वाला, ये माइनर इनटेक है। इसमें ऑप्शंस हमें कम मिलते हैं, एडमिशंस की यूनिवर्सिटी कम खुलती हैं। जो मेजर इनटेक है अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला, इसमें हर एक यूनिवर्सिटी मिलती है, सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं। लग्जमबर्ग का वंस इन ए ईयर ही होता है सर एडमिशन। ओके तो आपका ये कहना है कि फिनलैंड हो या जर्मनी, दोनों का इंटेक नेक्स्ट ईयर कब, किस मंथ में बोल रहे हैं आप? जनवरी 2025 फिनलैंड के लिए है, अप्रैल 2025 जर्मनी के लिए। हाँ अप्रैल 2025। ओके, जी, टूजल के हिसाब से जो बेस्ट, मतलब इन दोनों कंट्री के प्लस और माइनस क्या है, ये आप थोड़ा बता सकते हैं मुझे, सर इन, पॉजिटिव नेगेटिव? इनके आप मैंने तो जो मेरा अपना 16-17 साल का एक्सपीरियंस है ना, जो आप रिक्वायरमेंट कर रहे थे, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, जो एवरीथिंग इज देयर इन ऑल दीज टू कंट्रीज। इन दो कंट्रीज में बेस्ट है। हाँ बेस्ट है। आप एक बात जो बार बार बोलना चाह रहे थे कि जर्मनी में पेशेंस बहुत चाहिए हाँ जीओ पेशेंस। पे, इज इट द सेम अप्लाई इन फिनलैंड आल्सो? नहीं, फिनलैंड फास्ट है, वहां पे एडमिशन का कंपटीशन लिटिल बिट हार्ड है थोड़ा। अच्छा, मतलब हाँ पेशेंस जो पेशेंस का मतलब मुझे ये आता है कि मीन्स शायद ये है, पेशेंस बच्चे की मीन्स लाइफ वहां पर थोड़ी हार्ड होती है, इसका मतलब ये नहीं, हुआ। लाइफ तो देखो फॉरेन में एवरीवेयर हार्ड है, दिस इज नॉट सो इजी एवरीवेयर। पेशेंस मीन्स ये है कि उनका जो प्रोसेस है, सम कंट्रीज सम एम्बेसीज आर वेरी लेजी, वहां पर रश बहुत है। जर्मनी एम्बेसी में देर इज अ लॉट ऑफ रश, और जर्मनी एम्बेसीज को हर एक कंसल्टेंट ऐसे प्रमोट करता है कि जैसे वीजा उनके ड्रायर में पड़ा हुआ है। तो दैट रीजन हर एक स्टूडेंट की एप्लीकेशन उठा उठा कर वहां डाल रहे हैं। सम टाइम अपॉइंटमेंट में दिक्कत है, सम टाइम एपीएस नहीं आ रहा है, सम टाइम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन डाला हुआ है उसमें डिले हो रहा है। तो इन चीजों को हमने जो चैलेंजेस है उनको फेस करना है। फिनलैंड क्या है, फिनलैंड दे आर वेरी स्पेसिफिक। उन्होंने पोर्टल खोला, उन्होंने साथ में बता दिया कि ये पोर्टल इतनी तारीख को क्लोज हो जाएगा, ये इतनी तारीख को आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो वहां पर क्या है, फिनलैंड में जब हम अपना केस डालते हैं तो वहां पर मास्टर डिग्री में एडमिशन लेने में काफी चैलेंजेस रहते हैं, काफी टफ रहता है। उसमें स्टूडेंट्स की खुद की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है मास्टर में एडमिशन लेने के लिए। अभी मैं कहा वो स्टूडेंट होता है कैसे, क्योंकि सम प्री टास्क यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं हमें कि ये प्री टास्क भी साथ में कंप्लीट करके भेजें अगर आपने इस स्पेसिफिक मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एजेंट ने वो प्री टास्क करने हैं, क्योंकि बीसी आपने पढ़ी हुई है। सुनिए, तो मैं हैंडल करने वाला, हमारे पास 4 या 5 स्टाफ है फिनलैंड को डील करने वाले। एप्लीकेशन हमारे पास 150 से 250 पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये बताइए कि मैंने तो फिर फॉर्मेलिटी करूंगा, मेरे पास आया जो प्रीवियस बच्चे का था उठा के कम करके आगे भेज दिया। अगर स्टूडेंट अपने केस में खुद इंटरेस्ट लेगा, जैसे मैंने कहा कि भैया आपको मैं फॉर्मेट भेज रहा हूँ, इस टाइप का आपने मोटिवेशन बनाना है, आप अपने माइंड से भी कुछ इसके अंदर लगाएं, उसके बाद फाइनल टच मैं करूंगा। आपको यूनिवर्सिटी ने इस टाइप के प्री टास्क भेजे हैं, आप इन प्री टास्क को कंप्लीट करके मुझे भेजें। इस यूनिवर्सिटी ने आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम लेना है, तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए मैं कुछ टिप्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, बाकी आपने गूगल के ऊपर खुद भी सर्च करने हैं। तो वो चीजें अगर आप स्टूडेंट खुद इंटरेस्ट लेगा तो देन देर इज नो एनी प्रॉब्लम। अगर वो फुली डिपेंड रहेगा 100% की एजेंट ने सारा कुछ करना है, तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर गेटिंग द एडमिशन इन मास्टर स्पेसिफिकली इन फिनलैंड। ओके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर सजेस्टिंग मी टू कंट्री, वन इज जर्मनी, अदर इज फिनलैंड। ओके सर, पहले हम लोग फिर जर्मनी को 100% कंक्लूड कर लेते हैं, जो क्वेरीज हैं जर्मनी पे कंक्लूड कर लेते हैं, फिर फिनलैंड पे आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ सुजल, जी, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरी रिगार्डिंग टू जर्मनी? मैंने ज्यादातर पूछ लिया है। मैं ये पूछ पाऊंगा कि बिजनेस मैनेजमेंट जो कोर्सेज है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में होंगे कि प्राइवेट में, और या फिर क्या और कोर्स आप रिकमेंड कर सकते हैं मेरे लिए? देखो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बिजनेस मैनेजमेंट इम्पॉसिबल, मैंने पहले ही बता दिया, इट इज वेरी डिफिकल्ट।
प्राइवेट में 100% मिलेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम मिलेंगे पब्लिक में, अगर आपने वहां जाना है आगे जाकर कुछ करना है, वो आपको पहले बता दिया मैंने। ओके बट व्हेन वी वर सर्चिंग द दैट जर्मनी यूनिवर्सिटी की जो जो डिटेल्स हम देख रहे थे, उसमें दो तीन कोर्स हम लोग को मास्टर्स में दिख रहे थे ना इससे रिलेटेड। सर मैं वो ही कह रहा, मैं डालूंगा, मैंने ये तो कहा नहीं, आई विल डेफिनेटली पुट द एप्लीकेशन, बट ओके हमारा उस कंट्री के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि यू आर द फर्स्ट पर्सन, यू आर द लेमैन, आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है, वी आर रेगुलरली पुटिंग द एप्लीकेशंस। ये आपने ये ना हो कि आप कहें कि सर मैंने जाना इन दो कोर्सेज में है, तो मैं आपको अप्लाई करने से पहले बता दूंगा कि मैं आप भाई जर्मनी आप पहुंच नहीं पाएंगे। ओके सो आप मेरे जो ना मेरे कोर्स की जो डिटेल्स होंगी, मेरा जो मार्कशीट और सारी डिटेल देंगे, उसके बेसिस पे आप मुझे सजेस्ट करोगे ये कोर्स आपके लिए बेटर होगा। मैं यस 100% अगर आपने जर्मनी में पहुंचना है, आपने अपना हमें सारा मटेरियल शेयर कर दीजिए कि ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैंने सर्च किया है, उसके बाद मैं आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपको एडमिशन आने के 90-95% चांसेस कहाँ है जहां पर आपकी मास्टर टोटली फ्री रहेगी। ओके हाँ वो मैं अपना सजेस्ट करूंगा। तो मेरे क्वेश्चन जर्मनी से स्पेसिफिक दो तीन क्वेश्चन से क्विक में कर लेता हूँ, ठीक है। एक है जर्मनी पे अगर हम लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमारी फी जो है ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है, आप ये कहना चाहते टोटल फ्री, टोटल फ्री है, 100% फ्री होती है। दूसरी लिविंग एंड जो खर्चे हैं लिविंग के और रहने के, पहले तो लिविंग मैनेजमेंट वहां पर कैसा है, मतलब यूनिवर्सिटी लिविंग के लिए ऑप्शन अवेलेबल कराती है, एक तो ऑप्शन का बात है, ठीक है, तो वहाँ कैसा है रहने का खाने का व्यवस्था क्या, एक तो ये स्पेशली है सीइंग द कि इंडियन इंडियन स्टूडेंट जिनकी अपनी खाने की अपनी स्पेशल हैबिट है, मान लीजिए अपने ऐसे इंडियन लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, है, मतलब नहीं, वो आप ऐसे मैनेज ऐसे होता है कि नहीं होता ऐसे है। है कि जर्मनी में किसी भी बच्चे ने जाना है तो अपने लिविंग एक्सपेंसेस बच्चे को साथ में ले जाने पड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड ए ब्लॉक्ड अकाउंट, दैट इज ठीक है, दैट वी कैन अप्रोक्स प्रोवाइड, 11,500 यूरो। अभी आ गया कि ठीक है। अकोमोडेशंस, खाना पीना, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एडमिशन वीजा लगाकर बाहर सक्सेसफुली फंसाने तक की, ठीक है, हमारी अकोमोडेशंस के लिए वी विल प्रोवाइड ए नंबर ऑफ, इसको वेबसाइट्स प्रोवाइड करूंगा नियर बाई द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज के होस्टल होंगे तो उसकी वेबसाइट प्रोवाइड करूंगा, वो बच्चे को खुद अपने लेवल पर करना पड़ेगा। खाने के ऊपर आ गए, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर आपको इंडियन फूड मिलेगा, नेपाली फूड मिलेगा, आपको हलाल मिलेगा, फलाना मिलेगा, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन ऑल्सो, वो आपको खुद जाकर सारे का सारे जो चैलेंज है फेस करने पड़ेंगे। ओके नहीं जैसे ऐसा कई बार होता है ना कि इंडियन कम्युनिटी होती है लोग अपने से तब होते हैं, बहुत सारे नेपाली मिलेंगे, इंडियंस मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे, वो जाकर खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे सर। जब आप ये यूनिवर्सिटी में पहुंच गया ना, पहुंचने के बाद सारी सिनेरियो पता चलेगा सर, बाय सिटिंग हियर मैं आपको बताता हूँ सर ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए, दैट इज ओनली फॉर द मोटिवेशन, और बताइए। ओके दूसरा क्वेश्चन, जो वहां पर ये जो मास्टर कोर्स है वो कितने साल का है? सर 2 साल का लेकर चले, 80-90% की है, 2 इयर्स का। और वहां पर 2 इयर्स जो वीजा जो मिलता है वो कैसे मिलता है वहां पे? वीजा यहाँ पर 4 मंथ का मिलेगा आपके पासपोर्ट के ऊपर, वहां जाकर इसका रेजिडेंसी परमिट बनता है। तो रेजिडेंसी परमिट कितने का बनेगा? रेजिडेंसी परमिट वो 1 साल का भी दे सकते हैं, एज पर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम भी दे सकते हैं 2 साल का भी। ओके और जो उसके बाद उसको जो इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए वहां लोकल काम करने के हिसाब से, उसके लिए क्या होता है? इसको पार्ट टाइम वर्किंग लो है 20-22 घंटे पर वीक, 20-22 घंटे पर वीक पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम, और तो वो पार्ट जब टाइम जॉब ढूंढने में कोई सपोर्ट आपसे आते कोई हो? कुछ नहीं, मेरा सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिशन वीजा लगाकर वहां तक पहुंचाने तक की है, उसके बाद आई एम नॉट लिसनर टू एनीबॉडी, आई एम नॉट लिसन टू एनीबॉडी। कल मेरे बच्चे ने भी जाना है, आई विल नॉट लिसन हिम, मैं कहा भैया पैसा लगा दिया चला गया अभी जाकर करो जो भी करना है, सर जॉब नहीं मिली खाना नहीं वहां पे मिला कितना इजी है वो 20-22 घंटा सर, पार्ट टाइम जॉब करना उसके लिए उस गूगल करें, वी हैव नो एनी नॉलेज अबाउट दैट वन, गूगल करें। अभी उसके बाद, हाँ उसके बाद क्या है, जब ये स्टडी कंप्लीट करता है कि 2 साल इसको 18 महीने का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है, 18 मंथ पोस्ट स्टडी परमिट भी है, 8 मंथ पोस्ट स्टडी उसको वीजा मिलेगा। 18 मंथ 18 महीने ओके 1.5 साल, अच्छा ठीक, ओके पोस्ट स्टडी वीजा मिल जाएगा वहां, हाँ और जिसमें वो अपना वहाँ लोकल जॉब खोज के वहां पर प्लेस कर कर पाएगा, सकता है बिल्कुल। ठीक है। ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इस पब्लिक यूनिवर्सिटी के थ्रू इंटर्नशिप या प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी कितनी होती है? कुछ नहीं है ये सर, बेसिक क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है सर, वो देखो
जर्मनी गवर्नमेंट को नंबर ऑफ लोगों की रिक्वायरमेंट है, ये पहले माइंड में लेकर चले। इसके अंदर कैलिबर है, इसको किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। उनको बहुत लोग चाहिए। आप गूगल में करिए जर्मनी के बारे में क्या है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज को इतना क्लियर किया है। जितना स्टूडेंट जाएगा स्टडी कंप्लीट करेगा, दिस इज माय प्रजम्पशन, 80-90% लोगों को पीआर भी मिलेगी। ओके एक और बेसिक क्वेश्चन है, जर्मनी के बारे में लैंग्वेज के बारे में बहुत बात सुनने में मिलती है, ठीक है। शेंगेन, मेरा बेटा इंग्लिश, शेंगेन की हर एक कंट्री में लैंग्वेज इज द बिग हर्डल, और इसकी इंटायर स्टडी इंग्लिश में रहेगी। अगर वहां सरवाइव करना है तो इसको हर एक कंट्री की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ओके मतलब स्टडी जरूर इंग्लिश में है, बट यू हैव टू लर्न दैट लोकल लैंग्वेज आल्सो। यस 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 ओके मतलब ये शेंगेन की सारी कंट्रीज में, अगर फिनलैंड में जाएगा तो फिनिश सीखनी पड़ेगी अगर सरवाइव करना है। इंटायर एजुकेशन विल बी इन इंग्लिश। ओके 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 तो ये एक पॉइंट हो गया। अपॉर्चुनिटी आप जो बोल रहे हो वो कॉलेज से प्रोवाइड नहीं हो रही है, खुद से सर्च करके उसको सारा कुछ खुद करना है सर, किसी ने नहीं आना, सारा कुछ खुद करना है। यहाँ पे जो दिल्ली में, यहाँ पे बेंगलोर में पढ़ रहा है तो क्या कॉलेज इनके पीछे पीछे घूमता है? सेल्फ मेड एवरीवेयर, नो पर्सन हैव द टाइम देयर। वहां पर घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो ये देख लीजिए कि किसी के पास, द पीपल आर नॉट फ्री। कुछ भी करना है सब कुछ खुद पढ़ के करना पड़ेगा। किसी ने अपना टाइम फ्री में किसी को नहीं देना है सर, वहां पे इन कंट्रीज में। अब इसमें हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। पहला कंक्लूजन ये है कि जर्मनी के लिए इसको ट्राई करना पड़ेगा, तो जनवरी में अप्रैल 2025 के लिए ट्राई करना है जर्मनी के। हाँ, और उसके पहले इसको अपने डॉक्यूमेंटेशन पे आईलेट्स को देना पड़ा, और ये एक और क्या बोले आपने वो सर, वो आईएलटीएस भी सारा कुछ मेरा स्टाफ अभी आपको बताएगा। अगर आपने हमसे रजिस्ट्रेशन तो कराई है, आगे प्रोसेस क्या करना है वो सारा स्टेप बता देगा इनको, कैसे कैसे क्या क्या होगा। आप अपने क्वेश्चन पूछे, अप्लाई करने की हेडक हमारी है, वो वी विल हैंडल इट, क्या क्या करना है। अब आ जाते हैं फिनलैंड पे, आ जाते हैं, है ना। फिनलैंड पे में सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। फिनलैंड में अपने पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही जा रहा है? फिनलैंड में इंटायर स्टडी पेड है, सेल्फ पेड है। वहां पर चाहे, वहां पर है ही सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी। उनकी जो फीस है साल की 9000 यूरो से लेकर 12000 यूरो की है पर ईयर। ओके वहां पे पैसा लगना है फिनलैंड? फिनलैंड में 100% पैसा लगेगा, 9000 से लेकर 12000 यूरो पर ईयर। स्टूडेंट अपनी 6 मंथ की फीस पे करके वहां जा सकता है। फिनलैंड में कोई भी पैसा साथ में कैरी नहीं करना पड़ता है, वहां पर ब्लॉड अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट रनिंग खर्चे जो चाहिए साथ के, वो तो रनिंग खर्चे, हाँ वो साथ में वैसे इसको पैसा दे दीजिए 2-3 हज़ार यूरो जब जाता है, लेकिन साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है, जैसे वहां पे ब्लॉक अकाउंट है। फिनलैंड की जो यूनिवर्सिटी है उनकी रैंकिंग मोटामोटी क्या है वर्ल्ड रैंकिंग? वो सर फिनलैंड की यूनिवर्सिटी सारी बेस्ट है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जब जिसमें भी मैं अप्लाई करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि जहां जहां अप्लाई किया है इसका, वो आप उसकी रैंकिंग खुद चेक कर लीजिए कि कैसी रैंकिंग है जहां जहां डालूंगा। ओके फिनलैंड के ईयरली खर्चे कितने हैं मोटामोटी, लिविंग का कॉस्ट? लिविंग खर्चे लिविंग खर्चे दोनों कंट्री में आप ये लेकर चले 300 यूरो लेकर चलना है मिनिमम, 300-400 यूरो पर मंथ, खाना पीना रहना। 200-400 पर मंथ हो गया, दोनों कंट्री में सेम ही हो गया मोटामोटी? सेम है ये। ओके अपॉर्चुनिटी वाइज फिनलैंड एंड जर्मनी, अपॉर्चुनिटी में, अपॉर्चुनिटी में वहां 30 घंटे है वर्किंग राइट, 30 आवर्स इन ए वीक। यहाँ पर हाँ भी वहां पे 20-22 घंटे हैं। स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट देते हैं, जर्मनी में 1.5 साल का मिलता है, फिनलैंड में वो देते हैं। जो अभी मार्केट की जो करंट सिचुएशन है जर्मनी में, ठीक है, वहां पे जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है? मैं ये बस क्वेश्चन था सर, जॉब का मैं करता नहीं हूँ, आई हैव नो एनी नॉलेज अबाउट द जॉब। उसके लिए सर्च करें गूगल के ऊपर, चाहे फिनलैंड है चाहे जर्मनी है। मैं ये बता सकता हूँ फीस कितनी हो सकती है, कैसे जाएगा। जॉब के लिए वी हैव नो एनी नॉलेज इन एनी वेयर सर। जॉब्स के लिए ये है कि आपने इतना बड़ा अपना बिजनेस यहाँ पर एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो बाय सेंडिंग हिम टू फॉरेन कंट्रीज, यहीं पर लगाओ उसको, यहीं पर बहुत कुछ है इंडिया में भी और नेपाल में भी। मेरे पास यहाँ पर मेरा कंसर्न बस इतना ही था, वो 1-2 साल का फॉरेन कंपनी का कल्चर सीखे काम नहीं सीखे। बहुत अच्छी सोच है, तो देन आप जॉबों के पीछे क्यों बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं? जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, जॉब उसको लीव इट, लेकिन ये इंटरनेशनल एक्सपोजर लेकर आएगा बहुत अच्छा इन दोनों कंट्री, इसको सारा सिस्टम पता चल जाएगा। ओके
एक और जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, अभी आप ये बोल रहे हैं कि इसकी जनवरी या अप्रैल में इंटेक्स है जा रही है, इसका मतलब अभी मोटा मोटी 8 महीने 9 महीने मोटा मोटी बाकी हो गए हिसाब से जो है ना। क्या ये पॉसिबिलिटी है ना, इन दोनों कंट्री के अलावा भी कोई और आपको सजेस्ट कर सकते हो सर, और जो नहीं आपको सितंबर अक्टूबर देखो नवंबर में अभी, जाती हो? हाँ वो अभी मेरे पास और कंट्रीज हैं जिसमें ये अभी भी जा सकता है, इवन फिनलैंड में भी जा सकता है, फिनलैंड के लिए भी इसके लिए ऑप्शंस हैं, मैं आई विल चेक इट। लेकिन इसको फिनलैंड में बैचलर में एडमिशन मिलेगा, नॉट इन मास्टर, इन अगस्त इनटेक। सुन नहीं, चाहिए मास्टर चाहिए ना लीजिए बात मेरी, उसके ठीक अलावा मेरे ठीक है ठीक पास, लाटविया, लथुनिया और रोमानिया, ये 3 कंट्रीज और पड़ी हुई हैं अक्टूबर इनटेक के लिए, अगर मास्टर में जाना है। नहीं, जैसे मैं आपकी वीडियो तो देखा था तो उस वीडियो पे आप सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि सैल पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाने के जियो पे, क्योंकि वहां पर मैं कहीं पर भी भेजता हूं, मैं आज की डेट में अपने 99% स्टूडेंट्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ही भेजे हैं वर्ल्ड वाइड कंट्री। वही आपका करना भी कहीं पे यही था, और आप कई बार ऐसे ही फोकस भी कर रहे थे कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो फ्री एजुकेशन देते हैं वो बेटर भी होते हैं जियो सर फ्री में अभी कुछ नहीं मिल पाएगा, फ्री में नेक्स्ट ईयर पे। 2025, वो भी अक्टूबर में मिल पाएगा, इससे पहले कुछ नहीं है, क्योंकि एक ही नहीं, बड़ी जर्मनी आपने बोला ना, जर्मनी में, जर्मनी में तो है, वहां तो स्टडी फ्री है, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो इनटेक है, वही लेकिन जर्मनी में और अपने लोग किसी, अप्रैल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप ये बोल रहे हाँ हो? अप्रैल में कर सकते हैं, लेकिन और किसी भी कंट्री में कुछ फ्री नहीं मिलेगा इसको 2025 अगस्त से पहले। हाँ, जर्मनी में हम लोग अप्रैल 2025 तक फ्री एजुकेशन जाना है, तो जनवरी अप्रैल 2025 तक हो गया। है जर्मनी में है, हाँ, और किसी कंट्री में नहीं है जो है नहीं ना। कुछ नहीं मिल पा रहा। ओके, जो फाइनेंशियली फिजिबल भी है, जैसे मान लीजिए फ्री नहीं मतलब, बट प्राइस वाइज भी अच्छे हैं और अच्छे भी है दोनों, उस हिसाब से कंट्री में आपको एक फिनलैंड आप रिकमेंड कर रहे हो। एक और देखिए कोई कंट्री है जो जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, कोई और कंट्री? रोमानिया, सर ऐसे है कि बाकी कंट्रीज मैं बता देता हूं, लेकिन वो सर्च आप करें कि क्या उसमें आपके लिए वायबल रहेगा, दैट इज वेरी इकोनॉमिकल कंट्री। साल की फीस, ओके, आप साल की फीस इंडियन रुपीज में मैं बता देता हूँ, या यूरो, समझते हैं यूरो भी, ठीक है। यूरो में 3,000 से लेकर 4,000 यूरो पर ईयर की फीस, 10 कंट्रीज हैं अक्टूबर इनटेक, एक अक्टूबर इनटेक के लिए, लाटविया, लथुनिया, रोमानिया। लाटविया लथुनिया, और रोमानिया, लथुनिया और रोमानिया, रोमानिया, हाँ, यहाँ पर 4 लाख की फीस मसी है, 3.5-4, 3.5-4 लाख पूरे साल की। नहीं देखिए, अब ये तो एक नॉर्मल मतलब अपने को तो देखने का 3 पॉइंट है बेसिकली। ना एक बच्चे का मतलब मास्टर डिग्री टॉप कॉलेज से हो जाए, एक कंसर्न्स भी है मतलब इसमें एडजस्टमेंट वाला पॉइंट हो गया। एक है बच्चे के लिए अगले का कैरियर अपॉर्चुनिटी भी रहे जियो पे, और तीसरा माने हमने जो बोला कॉस्ट हो गया, तो तीनों कॉम्पिटिशन हिसाब से ऑफर करने वाली बात हो गई। ये तीनों हिसाब से आप, ये तीनों कंट्री भी अच्छी है मतलब सर कॉलेज मैं वो कह अच्छे रहा हूँ, अचानक। आप गूगल पे देखेंगे क्या है, बस लोग बहुत जा रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग है। आप देखिए जो बेस्ट थी वो बता दिया, एजुकेशन बाई दीज आर द बेस्ट, बाकी कहें कि मैंने पहुंचना है वहां जाकर कुछ करना है, वहां देखूंगा जाकर, तो मैंने ये 3 कंट्रीज भी सजेस्ट कर दी। सुजल, डू यू हैव एनी क्वेरी? सुजल, सानू, नहीं, अभी तो ऐसा कोई क्वेरी नहीं है। एक एक क्वेरी था, आप यूके वगैरह के लिए आप क्या क्या कहना रहेगा, मतलब यूके के लिए कोई और कंट्री, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, एनीवेयर, क्या नहीं, कहना रहेगा आपका? यूके भी इतने पैसे खर्चना है तो वापस लाना है तो वी आर नॉट रिकमेंडिंग इट। यूके में कुछ नहीं है सर, यूके वी आर नेवर एवर रिकमेंडेड टू एनीबॉडी। वहां इतना पैसा लगाकर 16-16 हजार पाउंड, 20-20 हजार पाउंड, इट इज नॉट लॉजिक। यहां पर आपको शेंगन के अंदर आपको ये देखिए कि 30 कंट्रीज का एक्सपोजर मिल रहा है, जो आप चाहते हैं कि मुझे और मिले, कल स्विट्जरलैंड जाए, कल कहीं जाना है इसे जाए, घूमे फिरे, देखे वहां के बिजनेस स्टडीज के बारे में। यूके में इतनी फीस लगाकर जाना, तो दिस इज नॉट ए लॉजिक नोवाडेज। ओके, अभी के जो कंसर्न करना जो कलिग्स थे वो हम लोग को जो कल रिकमेंड कर रहे थे, वो तो स्विट्जरलैंड भी बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहे थे। नहीं, स्विट्जरलैंड में भी डाल सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर में मिलेगा वो, इस साल तो क्लोज है सारा सर, ओके, तो जो भी मिलेगा वो जनवरी 2025 के लिए हुआ, इसका जनवरी मतलब में जो भी स्विट्जरलैंड नहीं है, उसका भी एक ही इनटेक है पब्लिक यूनिवर्सिटीज का, वो भी एक ही इनटेक है स्विट्जरलैंड का, 25 ही। अच्छा मतलब कब, 25 मतलब ना
सितंबर 2025 और अप्रैल 2025 सितंबर सितंबर सर 3 मिनट रह गए सर, 1 घंटा होने में, 3 मिनट में ये लॉगआउट हो जाएगा। और पूछिए। नहीं ठीक है, इसका मतलब आप जो है यूके अभी कमेंट नहीं कर रहे, यूएस कमेंट नहीं कर रहे आप? यूके में मत भेजिए सर, कोई फायदा नहीं है। ओके मैं दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस, मेरे लिए सबसे इजी भेजना मेरे लिए है और सबसे ज्यादा पैसा उसी में कमाऊंगा मैं। ओके तो आपका कहना है कि ना भेजना हो तो जर्मनी भेज दो, फिनलैंड भेज दो, रोमानिया भेज दो। नहीं, वो रोमानिया, लाटविया, लिथुनिया वो आप बाद में सोचिए, लेकिन ये दो कंट्रीज के ऊपर कंसंट्रेट दीजिए जो आपने रिक्वायरमेंट बताई थी कि वहां पर जाए जहां पर इकोनॉमिकल भी हो, इंटरनेशनल स्कूल में एजुकेशन भी बढ़िया हो। दीज आर द स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड टू कंट्रीज, जर्मनी एंड फिनलैंड यू आर रिकमेंडेड। एक एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मनी? क्या स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स रहेंगे? एंट्री रिक्वायरमेंट जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिएगा? नथिंग नथिंग, आईएलटीएस मैंने मांगा आपसे पहले, सिर्फ आईएलटीएस चाहिए, बाकी आपका जीपीए बहुत बढ़िया 8 पॉइंट समथिंग है, इट्स वेरी गुड। मैंने रिक्वायरमेंट चेक कर ली है, जर्मनी में आपको मिलेगा, लेकिन पेशेंस जरूर रखना, मैं वीडियो भेजूंगा, वीडियो जरूर वॉच कर लेना उसको, जो उसके अंदर जो हर्डल्स आती है। तो अब आपका लास्ट रिकमेंडेशन, मतलब सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है यू शुड ट्राई फॉर जर्मनी। हाँ, जर्मनी है, यहाँ देखो एक फ्री मिल रहा है और बेस्ट कंट्री है, उसका पासपोर्ट चेक करें, वो और क्या चाहिए, फ्री में इतना बड़ा चीज मिल रही है। हाँ ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, अच्छा लगा ठीक आपसे है, बात करके। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। मैं तो सबको कहूंगा कि ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए, ऐसा ही बच्चा होना चाहिए एक्टिव, अगर फॉरेन कंट्री में जाना है। ऐसी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि मेरे पास पैसा पड़ा है तो भेज दो कहीं पर भी, यूके में भेज दो, वहां भेज दो, ऐसी बहुत सारे लोगों, 90% लोग दे आर नॉट बॉदर्ड बिफोर सेंडिंग द अपने चिल्ड्रन फॉरन कंट्रीज में, वो कहता है कि वह फॉरन का टैग चाहिए, भेजो। तो ऐसी रिसर्च बहुत, मैंने आपको काफी इरिटेट किया है बेसिक क्वेश्चन करके। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, फिर भी और भी कोई सो क्वेश्चन रहता है तो बताइए। अभी मेरा स्टाफ आपको बेसिक डॉक्यूमेंट बता देगा, सारा कुछ ऑनलाइन चलेगा, कहीं आने की जरूरत नहीं है आपको, तो सारा का सारा हम ऑनलाइन करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सारा का सारा समझा देगा आपको, तो उसके बाद फिर हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक और जो चीज थी, जो छोटी सी चीज है, आपका स्टाफ जो एक्सपेंसेस जो बताया हम लोगों को, मेरा उसका मैं यहाँ पर काफी स्टाफ मेरा दोनों कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट है, जर्मनी के लिए अलग है, फिनलैंड के लिए अलग है, वो उनसे आपका कोऑर्डिनेशन करवाएंगे, ये सिर्फ डीलिंग करने वाला दिल्ली में वो अलग है, वो डील करेगा आपको, सबका नंबर शेयर होगा आपके साथ। ठीक है। मेरा मेरा कंसर्न ये है, आपसे वो बोला था आपसे बात कर लेने के लिए, मैं क्वेश्चन किया है चीज पे, ठीक है, जो कंसल्टेंसी फी है वो बहुत एक्सट्रीमली हाई, मुझे बताया उसने चीज क्या चीज है? नहीं देखो वो है फ्री, देखो कंसल्टेंसी फी। अभी आप यूके में 16 लाख रुपया लगा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं फ्री भेज रहा हूँ सिर्फ आपको, जर्मनी में सारा पैसा बचा रहा हूँ आपका, आप ये सारा देखिए, पैसा क्या, 6 लाख रुपया नेपाली तो केवल अकेले वो मुझसे मांग लिया, 3500 यूरो है छह सर, लाख रुपया नेपाली मांग लिया, मतलब हम लोग पैंतीस 3500 यूरो की फीस है हमारी, 3500 यूरो की फीस है, वी आर चार्जिंग इट, अगर मैक्सिमम फीस हमारी 90% फीस है जब हम वीजा का रिजल्ट देंगे आपको, और इंटायर स्टडी फी है, और एक जगह हम 3500 यूरो ले रहे हैं, एक जगह पर 10,000 यूरो की फीस साल की आ रही है।